आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, इसके लिए ममता बनर्जी कब जिम्मेदारी लेंगी, और आप इंडिया गठबंधन में हैं, तमाम मुद्दों पर ममता बनर्जी का समर्थन मांगते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इस हिंसा का विरोध करने की हिम्मत कर पाएगी? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में बंगाल कांग्रेस जिस तरह से अधीर दा का नेतृत्व में जो रवैया जो स्टैंड रखा था आप उनसे शायद ताल्लुकात नहीं रखते हैं, या शायद आपको पता नहीं होगा, नहीं तो आप ये सवाल मुझे नहीं पता है अबू शर्मा जी, लेकिन लेकिन अधीर रंजन चौधरी के बयानों से कांग्रेस लगातार पल्ला झाड़ती रही है। अधीर रंजन चौधरी के बयानों का मल्लिकार्जुन खड़गे भी समर्थन करते नहीं दिखाई पड़े, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। यही तो खासियत है, इसीलिए तो हम लोग कांग्रेस करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक गैस चेंबर है और वहां सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी का बात चलता है। अबू शर्मा जी आप मुझे सीधा जवाब दीजिए, मेरा आपसे सवाल है, जो हिंसा की खबरें आ रही है, अबू शर्मा जी मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको, बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी से आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे संदेशकाली का घटना हो, चाहे उसके पहले पंचायत चुनाव में हिंसा का घटना हो, आप ही का ये शो में मैं बैठ के पंचायत चुनाव के बाद उस दिन आप ही थे, मैंने घोर निंदा किया था। मैं सबसे पहले, देखिए ये समय आरोप और प्रत्यारोप के समय नहीं है, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय ममता बनर्जी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव खत्म हो गया, कहीं पर भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का, लेफ्ट का, कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले आप दुरुस्त कीजिए। यह मेरा पहला निवेदन है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रति। और मेरा दूसरा कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा निवेदन है, कहीं ना कहीं आपका संगठन का कमी को, जो मैं 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी जिस दिन कलकत्ता में आए थे, मैं आपका ये चैनल में इसी 5 बजे का डिबेट में मैंने कहा था 12 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, मिला 12 ही, वो बात नहीं है। मेरा कहना यह है, आप हिंसा में आग मत डालिए, ये जो आग आप डाल रहे हैं आपका संगठन का कमी को, आप जनता के पास जाइए, भारतीय जनता पार्टी से मेरा विनती है, जनता के पास जाइए, आप संगठन को मजबूत कीजिए। मैं जवाब लेता हूं। लेकिन आप जी अबू शर्मा जी, आपने जो आरोप लगाए, बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, हिंसा की, बमबाजी की, पत्थरबाजी की, बीजेपी क्या कर रही है? सेंट्रल में आपकी सरकार है, मैं देख रहा हूं ट्विटर पे तमाम जो आपके समर्थक भी हैं वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी की सरकार कब तक देखती रहेगी बंगाल में यह हिंसा? देखिए भली भांति आप सबको पता है कि फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी दोनों ही चीज का सम्मान जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए आज किसी भी राज्य में जाकर के इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती, क्योंकि यही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कहता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी परिस्थिति है जमीनी स्तर पर, उसको लेकर के हम बार बार कोर्ट के पास जाते हैं। पोस्ट पोल वायलेंस का ये जो मामला हो रहा है, ये भी आपको शायद पता होगा कि इसमें भी जो है वो याचिका मैंने ही दाखिल करी है हाईकोर्ट में, और उस मामले को मैं खुद लड़ रही हूँ, और हमारे जितने भी कर्मी थे उन सबको वापस घर पहुंचाने का काम किया है हम लोगों ने। अभी कुछ साहब यहाँ कह रहे थे संगठन को लेकर के बात कह रहे थे, देखिए ये कौन बोल रहा है, जिनका खाता तक नहीं खुला ये इलेक्शन लड़ते ही क्यों है, पैसा बर्बाद करते ही क्यों है? पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने टीएमसी का साथ देने के लिए, वोट काटने के लिए इलेक्शन लड़ा, हालांकि जितने वोटों के मार्जिन से हम एक एक सीट पर जीते हैं उतना ये और सीपीएम दोनों मिलकर के नहीं ला पाए, एक भी सीट नहीं। अभी ये संगठन की बात कर रहे थे, अरे आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैं बता देता हूँ, आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हिंसा में आग मत डालिए, कांग्रेस बीजेपी को वही मैं कह रही हूँ। इनके जो प्रेसिडेंट जो थे यहाँ पर अधीर रंजन जी, कहते हैं प्रेसिडेंट पद छोड़ रहा हूँ, शाम को दिल्ली कहती है नहीं, ये अभी भी पद में बने हुए हैं। तो ये संगठन की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंसा कौन भड़का रहा है। देखिए जो लोग चोरों का साथ देते हैं, जो लोग हिंसावादी लोगों के साथ रहते हैं, वो तो इसी तरह की बात करेंगे। तो हिंसा का मुकाबला हम यहाँ कर रहे हैं,
अपने लोगों को किस तरह से बचाना है वो काम पे हम लगे हुए हैं। मगर दुख की बात ये है कि ये सीपीएम दोनों मुसलमानों के हितेशी और सबसे बड़ी टीएमसी यहाँ पर एक मुसलमान महिला को कूचबिहार में 3 दिन पहले सड़क पर सड़क के बीचों बीच बीजेपी करने के आरोप में नंगा कर दिया गया और उसे खींच के बालों से बाजार में टाना गया। कहाँ थे ये? चलिए मैं जवाब लेता हूँ प्रियंका जी। टीएमसी के भी नेता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नहीं नहीं मैं अबू जी आऊंगा अभी एक एक करके मैं आऊंगा। अबू शर्मा जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। अभी हमारे साथ विनय सिंह जुड़ चुके हैं टीएमसी के नेता। विनय सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता के आपने जवाबों को सुना, कूच बिहार की जिस घटना का वो जिक्र कर रही हैं या फिर पश्चिम बंगाल में जगह जगह से जो हिंसा की खबर आ रही है, आखिरकार आपके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानून व्यवस्था क्यों नहीं संभाल पा रही है? कहां कमी रह जा रही है? कब जिम्मेदारी लेंगे आप लोग? लोग पीटे जा रहे हैं। भारतवर्ष में सबसे अच्छी कानून और व्यवस्था और शांति का माहौल पश्चिम बंगाल में ही है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध में एक नैरेटिव बराबर दिखाया जाता है कि यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे दंगा है, सब कुछ है। और जितने बार चुनाव होते हैं और वो भी केंद्रीय बल के मौजूदगी में, बार बार दफे दफे में पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के ऊपर ही अपनी भरोसा जताई है। और विनय सिंह जी, आप चुनाव जीत गए, आप सत्ता में हैं, आपकी कई बार की सरकार है, आप ये तस्वीरें देखिए, क्या ये पश्चिम बंगाल में शांति की तस्वीरें हैं? मैं चाहूंगा एक बार फुल फ्रेम इनको तस्वीरें दिखा दी जाए, शायद ये देख ना पा रहे हो आप। पहले संदेश का पहले ये तस्वीरें देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, क्या ये शांति की तस्वीरें हैं? विनय सिंह जी से लेकर के तमाम लोग जो संदेश खाली को लेकर के आप लोगों ने घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी ने जो खेला पश्चिम बंगाल में, उसको पहले उजागर कीजिए। और ये सब खाली कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हो रहे हैं। विनय सिंह जी, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या ये शांति की तस्वीरें हैं? कारण एक ही है। विनय सिंह जी, ममता बनर्जी कब अपनी जिम्मेदारी सही से संभालेंगी? विनय सिंह जी, कानून व्यवस्था कब सुधरेगी? लोगों का डर कब खत्म होगा? नेता इज्जत लूटते हैं। मैं चाहूंगा एक बार विनय सिंह को पूरी तस्वीरें दिखा दी जाए। विनय सिंह जी प्रियंका जी मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं चाहूंगा विनय सिंह को एक बार पश्चिम बंगाल की वो तस्वीरें दिखा दी जाए। विनय सिंह जी, आप देखिए, क्या ये शांति वाले पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं? ये हाथों में पत्थर, एक दूसरे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, डंडे चलाए जा रहे हैं, ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल की? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सब। अरे तो आप सरकार में हैं, आप एक्शन लेते, क्यों होने दे रहे हैं आप इस तरह की हिंसा? अगर वो बीजेपी के, उनको पकड़ के आप जेल में डालिए। सब एक्शन लिए जाते हैं। कहाँ एक्शन ले रहे हैं आप? लिया जा रहा है और लिया जाएगा। संदेश खाली को दे रहा है ये। चलिए मैं जवाब लेता हूँ। प्रियंका जी आप जवाब दीजिए, कह रहे हैं तो सब बीजेपी के लोग हैं। प्रियंका जी, टीएमसी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, ये जितने लुंगी वाले हैं ये टीएमसी के रिश्तेदार हैं, इनको बांग्लादेश से बुला करके जो है ये कार्ड बना करके देते हैं वोटर का। खाली तो बोलिए प्रियंका जी, आप तो बहुत दफे गई थी चुनाव में, संदेश खाली पे बोलिए। संदेश खाली में पैसा देकर विनय जी एक एक कर संदेश खाली पे बोलिए। प्रियंका जी स्काइप से जुड़ी हुई है, एक एक करके अगर आप बोलेंगे तभी आवाज समझ में आ पाएगी। प्रियंका जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। प्रियंका जी आप जवाब दीजिए। ममता बनर्जी, अभी जितने भी हॉकर्स हैं यहाँ पर यूपी बिहार से जितने भी लोग आए हैं उनकी दुकानें बंद कर रही हैं, कह रही है बाहरियों को मैं निकालूंगी, लेकिन बांग्लादेश से जिन रोहिंग्या को बुला करके यहाँ पोसा है वो इनके चचा के बच्चे लगते हैं, उनको ये नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उनसे तो वोट लेते हैं। थोड़े दिन में विवेक सिंह जी का भी नंबर आएगा, जहाँ से भी है बोड़िया भीतर बांध के इनको भी भेजेंगी बाहर, क्योंकि इस सरकार की यही सोच है कि हिंदुस्तान के हिस्से से कोई कहीं से भी आया है वो बाहरी है और बांग्लादेश से जिनको बुलाया है वो इनके चचा के बच्चे लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं, क्योंकि भाई वो इनको वोट देते हैं, उनको बसाया है रोहिंग्याओं को। ममता बनर्जी ने खुद कहा था जब 2017 में हमारी सरकार ने कहा था कि हम रोहिंग्याओं को बाहर निकालेंगे, तो इन्होंने कहा रोहिंग्या भी तो इंसान है, वो कहा जाएंगे, इसलिए उनको यहाँ बसाया, उनके वोटर कार्ड बना करके दिया और उनसे वोट की राजनीति करती है। देखिए मुसलमानों को भी ये कमोडिटी बना करके रख दिया है, मुसलमानों को कमोडिटी बना के रख दिया, वरना एक मुसलमान की औरत को रास्ते में नंगा कर दिया जाए और मुख्यमंत्री कुछ ना बोले,
करना बंद आप समझ जाइए कि ये किसी जात किसी धर्म की नहीं है, ये सिर्फ वोट की राजनीति समझती है और उसके लिए इनका इस्तेमाल करती है। और जब समय पड़ता है तो ये बिहारी और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को बाहरी बोल करके निकाल देती है। Z News.